नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कोकम का कंसंट्रेट शरबत बनाएंगे। कोकम के पेड़ दक्षिणी भारत और गोवा में बहुत आयत में पाए जाते हैं और वहीं पर कोकम का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोकम के फल वायलेट कलर के नींबू के बराबर होते हैं, जो काफ़ी गुच्छों में लगे रहते हैं, और कोकम के फल की स्किन को उतार करके सुखा लिया जाता है, जिसे रख करके साल भर तक यूज़ करते हैं और वही कोकम कहलाती है। तो कोकम का स्वाद बहुत खट्टा होता है। सब्जी और दालों को खट्टा स्वाद देने के लिए कोकम का यूज़ किया जाता है। कोकम का शरबत भी बहुत अच्छा बनता है। तो कोकम का शरबत तुरंत बना करके पी सकते हैं कि थोड़ा सा हमने आधा कप कोकम के भिगोया और ग्राइंड किया, चीनी मिला करके शरबत बना लिया। और अगर हम इसका कंसंट्रेट शरबत बना करके रख लें तो तुरंत बना करके शरबत झट से पिया जा सकता है, यानी कि बनाते समय हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो आज हम कोकम का कंसंट्रेट शरबत बनाएंगे। तो आइए देखें कोकम का कंसंट्रेट शरबत बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने एक कप कोकम लिया है। कोकम को हमने धोकर एक कप पानी में भिगो दिया है। पानी को हमने गुनगुना किया, गर्म किया और कोकम को उसमें भिगोकर दो घंटे पहले हमने रख लिया है। ये भीगा हुआ एक कप कोकम है। दो कप ऊपर तक भरी हुई चीनी है, यानी कि 500 ग्राम चीनी है। दो छोटे चम्मच काला नमक है, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर है। तो कोकम का कंसंट्रेट शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम कोकम को पीस कर तैयार करेंगे। कोकम को हमने एकदम बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। हमने एक कप पानी में कोकम को भिगोया था, उसी पानी में पीस कर तैयार कर लिया है। तो ये हमारा कोकम का पेस्ट हो गया। और अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चीनी को हम भगोनी में डाल देंगे और 3/4 कप पानी डालेंगे और चीनी के घुलने तक हम चाशनी को पकने देंगे। बीच बीच में चमचे से चला देंगे हम एक दो बार। पानी में चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। हमारी चाशनी बन करके तैयार है और अब हम इसमें कोकम का पेस्ट डालेंगे। और कोकम का पेस्ट डाल करके हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे। काली मिर्च भी डाल देते हैं, काला नमक भी डाल देते हैं और भुना जीरा भी डाल देते हैं। और अब इसको 3-4 मिनट तक पकने देते हैं। ये हमने कोकम के पेस्ट को चाशनी में डाल करके पूरे 7-8 मिनट तक हमने पका लिया है, यानी कि अच्छा सा गाढ़ा शरबत बन करके तैयार हो गया है। गैस बंद कर देते हैं चेक करने के लिए, बिल्कुल जैसे चाशनी चेक करते हैं कि एक ड्रॉप हम शरबत की प्लेट में गिरा लें और ठंडी होने पर उंगली और अंगूठी के बीच में चिपका करके देखें। तो आपको खुद पता लगेगा कि इसमें से हल्का सा तार भी निकल रहा है, यानी कि चिपक रही है ये। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमें ये एक तार की चाशनी वाला सिरप चाहिए। शरबत तैयार हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने के बाद छान लेंगे। ये कोकम का शरबत ठंडा हो गया है, इसे हम छान लेते हैं। और जो ऊपर पत्तियां रह गई हैं उनको हम घोल करके अभी इंस्टेंट शरबत बना करके पी सकते हैं। और जो हमने कंसंट्रेट शरबत बनाया है उसे हम बॉटल में भर करके रख लेंगे। जब भी हमें शरबत पीना है थोड़ी सी आइस ग्लास में डाल लेंगे और 2-3 टेबलस्पून कंसंट्रेट कोकम शरबत के डालेंगे। पानी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे
कोकम का कंसंट्रेट शरबत बनकर के तैयार है। इसे किसी भी बॉटल में भरकर फ्रिज में रख लीजिए और 2-3 महीने तक पीते रहिए। अगर आप इस शरबत को बाहर रखना चाहते हैं तो इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना होगा, यानी कि सोडियम बेंजोएट की 1 छोटी चम्मच इसमें डाल करके मिक्स कर दें और किसी बॉटल में भर करके रख लें और फिर 6 महीने तक इसको बाहर ही रखें और शरबत जब भी आपको बनाना हो तब बना करके पिएं। इतने कोकम कंसंट्रेट शरबत से 15 से 20 गिलास शरबत बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारे नेचुरल ड्रिंक्स हैं, इनके सामने आर्टिफिशियल ड्रिंक्स कुछ भी नहीं हैं। आप इन्हें बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।